सिर्फ आप या कभी यू या कभी यू 11 मरतबा पढ़ें, और कोशिश ये करें कि सुबह नहार को आप जो है एक चम्मच क्या नाम है कलौंजी का तेल आइस, यानी कि कम से कम अगर यानी कि हाफ टी स्पून से आप शुरू कर दें सुबह के वक्त में, हाफ टी स्पून आप कलौंजी का तेल जरा जोर से बोलेंगी तो आवाज आपकी क्लियर होगी ना, जरा जोर से बोलें। फरवरी में मेरे हार्ट के कार्डियोलॉजी में मुझे कहा गया था मेरे हार्ट पेशेंट कुछ हार्ट के मसले थे, क्योंकि मेरे आपका आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? और वजन कितना है? क्या फील होता है आपके दिल में, ये बात है कि आपको हार्ट की कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे हार्ट की नहीं है, लेकिन वो मुझे जब से डॉक्टर ने कहा था कि आपके मतलब ये दिल के अंदर ख्याल पैदा हो गया ना उनके डॉक्टर के कहने के बाद। जी जी जी। तो आप क्या करें, आप जो है एक दुआ है दिल पर हाथ रखकर हर फर्ज नमाज के बाद, वैसे तो या कभी क्यों है या कभी क्यों या कभी यहाँ मरतबा पढ़े, और इसके साथ साथ आप या कभी अल कादिरुल मुक्तदिरुल कभी या कभी क्यों या कभी अल कादिरुल मुक्तदिरुल या कभी, अगर ये मुश्किल हो जाए तो सिर्फ आप या कभी यू या कभी यू 11 मरतबा पढ़ें, और कोशिश ये करें कि सुबह नहार को आप जो है एक चम्मच क्या नाम है कलौंजी का तेल आइस, यानी कि कम से कम अगर यानी कि हाफ टी स्पून से आप शुरू कर दें सुबह के वक्त में, हाफ टी स्पून आप कलौंजी का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी फायदा होगा आपको, और इंशाल्लाह दिमागी तौर पर जो ये कैफियत है इसके लिए भी सर पर हाथ रखकर आप 11 मरतबा या कभी भी सर पर भी आप पढ़कर जो है वो पढ़ के दम किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह ये दिल की तकलीफ जो है और खासतौर पर इससे महफूज़ रखेंगे।